नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। हरियाणा में इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला को धमकी मिलने के मामले में भतीजे दिग्विजय चौटाला ने तंज कसा है। उन्होंने जज्जर में कहा कि जो लोग दूसरों को धमकी दे देते आज उनको भी धमकियां मिल रही है। वे डर भी गए और पुलिस के पास भी चले गए। आज बड़ी हैरानी होती कि देश में एक चलन सा हो गया है, विदेश से धमकी भरी कॉल करवाओ और फिर दो सिक्योरिटी गार्ड सुरक्षा में ले लो। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला बुधवार को जज्जर में इनोसा के 21वें समारोह को लेकर हिसार में होने वाले कार्यक्रम का न्योता देने आए थे। उन्होंने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बाद में पत्रकारों से बातचीत में दिग्विजय चौटाला ने अपने चाचा अभय चौटाला को धमकी मिलने पर तंज कसा। दिग्विजय ने कहा कि हम तो पहले सुनते थे कि अभय चौटाला लोगों को धमकी दे रहे हैं, ये तो फिर कोई बड़ा ही बदमाश होगा जिसने धमकी दी है। उन्होंने कहा कि आज के दिन अभय सिंह को कोई पूछ नहीं रहा है और न ही कोई अखबार और चैनल उन्हें दिखा रहा है, ये केवल पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं है। धमकी तो उन्हें तब मिली थी जब सरकार थी, पाकिस्तान से धमकी भरा फोन आया था, क्या पता कोई पिछला हिसाब किताब बाकी हो। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।